अगर वो अपने डिपेंडेंट्स को, अपने आश्रितों को जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकता, उसका रास्ता नहीं दिखा सकता, तो उसे नहीं बनना चाहिए। तो पहला फर्ज हमारा क्या माता पिता का, किसी एम्प्लॉयर का, किसी गुरु का पहला फर्ज क्या है? पहला फर्ज उसका यह है कि उसे अपने घर में आई हुई संतान को, अपने बेटे को, बच्चे को, बच्ची को, या फिर अपने यहां काम करने वाले को यह बताने कि बेटा तू शरीर नहीं है, तू शरीर के अंदर आत्मा है। तेरे आत्मा के पिता कौन है? कृष्ण। तेरे शरीर के पिता कौन है? हम। गलत तो नहीं बोल रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे, सच्चाई तो यही है। कभी बात करते हैं बता, अगर बच्चा बचपन से आत्मा का ज्ञान लेके बड़ा होगा ना, तो कभी दुनिया की कोई समस्या उसको समस्या नहीं लगेगी, कोई दुख उसकी आंखों में आंसू नहीं ला पाएगा, किसी भी प्रकार के सर्कमस्टांस उसको चिंता नहीं दे सकते, अशांति नहीं दे सकते। जब व्यक्ति आत्मा अपनी पहचान शरीर से कर लेता है, उसके बाद सारी समस्या होती है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम शूद्र हैं, हम अमेरिकन हैं, हम इंडियन हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो संसार में लड़ाई किस बात की? यही है ना, वो कह रहा मेरा पाकिस्तान महान, प्राइड टू बी अ पाकिस्तानी, उनकी टी शर्ट के पीछे लिखा होगा। दुनिया भर के बम वहीं बज रहे हैं, दुनिया भर के आतंकवादी वहीं से निकल रहे हैं, बट स्टिल क्या लिखते हैं? प्राउड टू बी अ। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपने देश से प्रेम है, उनको लगता है हम ठीक कर रहे हैं, इसलिए ये ज्ञान जरूर देना चाहिए। और उसके बाद बताना कि जो संसार है इसमें काम धंधा करना है, बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, पढ़ना लिखना है, ये किस लिए? शरीर के पालन पोषण। पैसे से भला कोई वैकुंठ जा सकता है?